ऊपर से फिर और तो घुमा लेंगे उसको, एक बंदा चला जाए जितना काट लो घूम जाएगा, ये यहाँ से नहीं ज्यादा कटेगा भाई, ये करके बंदा जाने जितना काट, तीन चार फिर सपोर्ट मिल जाएगा ना आगे, तो दो फिट एक फिट और एक्स्ट्रा एडवांस में काम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आकर आप महसूस कर सकते हैं कि काफी डरावनी स्थिति है, यहाँ बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि ये काफी करीब 30-40 फीट नीचे तक खोदा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमीन है, मकान है, ऐसा लगता है कि जैसे अगर मशीन के वाइब्रेशन से या थोड़ा सा इधर उधर से आप गलत खोद दें तो हो सकता है कि कोई और बड़ी दुर्घटना हो जाए, ऊपर से मिट्टी या कंस्ट्रक्शन जो है वो भी नीचे गिर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये नाले लगाए जा रहे हैं ताकि इस तरीके से 7-8 नाले लगे हों और उनमें से टीम जाकर वहाँ से आगे जा, आप देख सकते हैं कि टीन शेड का एक गोल हिस्सा लगाया हुआ है, वहाँ से जाके फिर आप रस्सी के सहारे उस बॉडी को बांध रखा है तो आप वहाँ से जाकर इस तरीके से आप बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी पाइप नीचे बिछा दिए गए हैं, नीचे ऑक्सीजन के लिए भी पाइपलाइन लगा दी गई है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस तरफ से काले बादल हैं, बारिश आने की संभावना है, हवा तेज आने लग गई है, ठंडी हवा आने लग गई है, तो अगर बारिश आ जाती है, तेज़ बारिश आ जाती है, तो एक बार फिर से जब ये सारा ऑपरेशन ख़त्म होने को लगभग आखिरी समय में है, फिर से काफ़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बारिश तेज़ नहीं आए या फिर अगर आंधी के साथ ही बारिश निकल जाती है तो अभी जो ऑपरेशन होने वाला है वो लगभग शायद अगले आधे एक घंटे में ख़त्म हो जाए। अभी आप देख सकते हैं नीचे पाइप, तीन पाइप लगा दिए गए हैं 8-8 फीट के, यानी 24 फीट के, और अब इन पाइपों से नीचे ऑक्सीजन सप्लाई के साथ में टीम जाएगी और वो वहां से बॉडी को रिकवर करने का प्रयास करेगी। और नीचे वाला जो वो है ना उसके ऊपर ऐसे 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 वो गई, फिक्स हो गई, लॉक हो गई, लॉक हो गई, वो नीचे है ना जो ये पत्थर वो नहीं जाएंगे, नहीं नहीं अब नहीं, 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 वो काट के दिया था ना आपको ध्यान है क्या, काट के भेजा था ना, तो ऊपर से सेट बना हुआ है वो, तो पूरा एक तरह से हमारे वो दीवार बन गई, साइडों का इशू, छत बन गई, साइडों का इशू है, साइड में बैठ के करना पड़ेगा काम और उसमें फिर गिर गई मिट्टी तो फिर रिस्क है। और ये उसका पाइप है, ये फर्मे फ्री कर दिया, ये भी फ्री कर दिया, फर्मे फ्री हो गए, इसके नीचे भी फ्री कर दिया था, अभी फ्री है, अभी फ्री है, रस्सी कहाँ है, रस्सी अंदर, अच्छा इस फर्मे के वो हाथ में आ गई थी। अभी आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल नीचे उस जगह पर है जहाँ पर खुदाई हो रही है और इस वक्त शाम के करीब 6:30 बज रहे हैं, एक्सपेक्टेड था कि 2-3 बजे तक ये काम हो जाएगा लेकिन 6:30 बजे तक भी ये काम नहीं हुआ है और अभी भी और इसमें समय लगेगा क्योंकि अंदर जो सिचुएशन है, जब खुदाई हो रही है तो करीब 7-8 फीट खोदा जा चुका है और उसके बाद भी बार बार ऊपर से मिट्टी गिर रही है, तो जो इंसान अंदर जा रहा है खुदाई करने के लिए उसकी लाइफ को भी काफ़ी रिस्क है। नीचे 9-10 फीट तक की जो पाइप काट के हमने तीन पाइप सुरंग के टाइप में हमने लगाए थे, उससे जो सुरंग काटने के बाद 9-10 फीट तक हमने जो कुई है, जो चद्दर का जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसके पास पास हमने 10 फीट नीचे खड्डा करके सुरंग टाइप में सीधा उसके पास में खड्डा कर चुके हैं, जो बॉडी के रस्सा बंधा हुआ है उसको भी हमने हाथ से टेस्ट कर चुके हैं कि इसके नीचे, तो बॉडी का जो पार्ट है ना लास्ट यानी कि सिर वाला या हाथ वाला उसके हम नज़दीक हैं, लेकिन सबसे बड़ी नीचे प्रॉब्लम ही आ रही है जो पास वाली मिट्टी है वो एक बार नीचे गिर चुकी, उसको भी हमने वापसी निकाल दिया, तो अब 2 या 3 जो RCC की जो प्लेटें होती हैं वो लगा के उसको शोरिंग करके फिर नीचे काम करेंगे, वही उसके पास में नीचे खोदते हुए फिर बैठ के काम करना पड़ेगा।
गरनी आ जाती, चौड़ा लेता ना 4 फीट का स्टार्ट ले लेता, और 15 फीट वाला फर्मा तोड़ देता। तो कंप्रेसर तो कंप्रेसर नीचे कच्ची माटी रहेगी, प्रेशर कहने लगे भी कमान चारी में रहती, पानी बंदे बने या पाइप हुआ बीम दे दो प्रेशर, कच्ची माटी में प्रेशर कहने लगे बेल बन जाएगी इसके, लोडिंग मशीन खड़ी थी ना उधर, नहीं उनकी, हाँ उनकी लाव चल जाएगी, लोडिंग वाली लाइन का मशीन है उधर खड़ी की, वो बन जाएगी उसके, वो ये और ले ले थोड़ा और ले ले, मतलब अगर रस्सी इस पे बांध देंगे तो ये इंगेज हो जाएगी ना, ये एक तरह से अपने लिए इमरजेंसी में जरूरी है, मशीन वाला ही करे फिर बचाओ, अगर मिट्टी ढह गई अंदर आदमी है तो यही मशीन काम में लेनी पड़ेगी, अब उसका रस्सी थोड़ी खोल सकते हैं फिर अपन, रस्सी तो परमानेंट बंदी रहेगी पीछे वाली मशीन। तो अभी यहाँ पे जो पाइप लगाए गए थे उनमें से एक आखिरी पाइप है जो नीचे से मिट्टी खोदने की वजह से आगे की तरफ से झुक गया है, तो उसे दूसरे एक रस्सी से बांध के किसी तरीके से दूसरी एक LNT यहाँ पर लगा कर उसको बांध के कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अगर वो पाइप आगे से नहीं झुके तो उसमें जाकर काम को अंजाम दिया जा सके। आप इसको तो आप ये थोड़ा पीछे नहीं हो सकती क्या लोडिंग मशीन? हाँ, इस बाजू में जगह तो काफी पड़ी है, वहाँ पे खुली जगह है, तो हो जाए तो फिर यही तो चाह रहे हैं, चलो यहाँ से नहीं वहाँ और करो थोड़ा सा, दोबारा करो ढील हो गया, थोड़ा सा और करो, जांगिड़ जी देते ही रहो, अपन ऊपर में जाओ देते पाठ बैठे रहो, कहीं तकलीफ है ग्राम कोलिडा में ये 4 दिन से रेस्क्यू जो चल रहा है, लगभग प्रशासन और SDR की टीम और ये जो हमारे लोकल टीम लगी हुई है उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, कई बार इस 4 दिन में ये लगा कि मृतक मनरूप शायद 15 मिनट में निकल जाएगा, और फिर ऐसी कोई घटना घटी कि उसकी वजह से फिर बहुत समय लगता गया, लेकिन अब आखिर में ये लग रहा है कि अब आधे घंटे बाद शायद इस प्रयास में सब लोग सफल हो जाएंगे। लगाता जी पहली लगावन ले रहे हैं जमीन जी, पहली कितने गई मिट्टी तो गई ना, चार फुट गई लगभग, 4-5 फुट आगे तुम सारे, हाँ जी पाइप ने, मैं बताऊँ आपको इस तरफ भी सपोर्ट लगा दिया, इस तरफ सपोर्ट लगा के एक यहाँ बल्ली लगा दी ऐसे बीच में, एक इसके नीचे लगा दी दो, एक यहाँ प्लाई लगा दी, यहाँ लगा दिए जो भेज है ना आपने सीट, वो दोनों पाइप हो गए ऊपर से, अब ये दोनों के डंडा लगाने थे, और दूसरी चीज अब रही ये है ना ये मिट्टी, ये जो कटा हुआ हिस्सा है ना उससे 2 फिट इधर आ गया, ये यहाँ तक मिट्टी टह गई, अब ये 4 फिट के ऊपर ये पाइप टिका हुआ है, पाइप पुश हो गया, पाइप हमारा एंड हो गया, दूसरा पाइप जॉइंट कर दिया, फिर बंदा खोदता रहेगा टारगेट पे, जो पाइप पहुंच जाएगा उसके बाद बंदा वहां से 2 फुट या 3 फुट नीचे मिट्टी निकाल के बॉडी कलेक्ट कर सकता है। नीचे जाने के बाद जो दराथल की जो लास्ट डेप थी मिट्टी,
वहाँ से 8 फीट तक चले गए, लेकिन जो पाइप के अंदर की तरफ जो पाइप के नीचे की सुरंग बनाई थी वो मिट्टी डेड के नीचे गिर रही है, तो इसकी वजह से वो जो नीचे का जो अपने पास जो टारगेट है ना, उस टारगेट के पास जो खुदाई करना चाह रहे हैं वो खुदाई नहीं हो पा रही। अब इसी के लिए अब इन पाइपों को बाहर निकाल के दूसरा प्लेटफार्म बना के और फिर कोशिश करेंगे। आप लोग प्लीज आकर रेस्ट कीजिए, क्योंकि मशीन काम करेगी तो वो तो मैन्युअली तो है नहीं कोई भी काम। आप इधर वाला कटिंग करेंगे? इधर वाला कटिंग करेंगे और 16 फीट करेंगे मैडम, पूरा ही पूरा एक चीज है। अच्छा, इधर आप जो भी सेब लोगे ना, अच्छा, तो सामने एक मकान है उसका पहले इधर से स्टार्ट कर देंगे और पाइप को धक्का मारना। पाइप हम बोरिंग करके जाएंगे सर, उसमें जो पाइप रखेंगे ना, जो खड्डा करने के बाद जो पहला पाइप रखेंगे ना, उसमें एक फुट तक बंदा खुदाई करेगा, पाइप पुश हो जाएगा, फिर बंदा मिट्टी निकालेगा, पाइप पुश हो जाएगा। ऐसा करते हैं क्या बना, रात को ही चालू हो जाएगा कैसे करना? रात को तो सर ये मिट्टी कट के और ये आपका हो सकता है कि खड्डा तक तैयार, सिर्फ ये बेस तैयार बोरिंग सुबह रखे जाएंगे। पाइप तो सर सुबह रखे। कुछ चीजों को देख के लगता है कि कितनी परीक्षा ली जाएगी, मतलब कितना मुश्किल कोई काम हमारे लिए हो जाएगा। एक बार फिर से लग रहा था कि मंजिल के करीब है, बॉडी रिकवर हो जाएगी। जहाँ पे अभी पाइप है वहाँ से करीब नीचे 8-10 फीट और खोद लिया था, जबकि पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 5 फीट और खुदाई करनी है जहाँ से आप बॉडी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन 10 फीट करीब खोद लिया, उसके 3-4 फीट नीचे और खोदना था इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाते और अंदर स्पेस को सिक्योर कर पाते। मिट्टी फिर से ऊपर से गिरना शुरू हो गई और वहाँ पे इस जो पहला पाइप है उसके नीचे की करीब 4 फीट मिट्टी नीचे गिर गई। जितनी मेहनत करी थी वो लगभग बेकार हो गई। अब पूरी तरीके से नया प्लान है कि अब फिर यहाँ से एक बार इसको फिल करके पूरी ये जो जगह है इसको पूरा बढ़ाया जाएगा, करीब 10 से 15 फीट नीचे यहाँ पे पूरा स्पेस जो जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ से 10 से 15 फीट नीचे जाएगा और उसके बाद में पाइप को रख के उनके बराबर बोरिंग की तरह उनको आगे ले जाया जाएगा। इस पूरे काम में सुबह हो जाएगी। तो ऐसे समय में लगता है कि मतलब कभी कभी इंसान कितना मजबूर हो जाता है कि जो काम लगता है कि बस मैं अभी कर लूँगा वो काम भी नहीं हो पाता है। तो अभी हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हम सीकर जाएंगे, खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से यहाँ पे हैं, भूख लगी है, घर वाले भी चिंता कर रहे हैं। घर जाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद सुबह करीब 4-4:30 बजे हम सीकर से वापस यहाँ पर पहुँचेंगे। तब तक ये खुदाई चल रही होगी तो वहाँ से वापस शुरू करेंगे। आप बताइए, हमारे साथ अभी उनके भतीजे हैं। मेरा सभी ग्रामवासियों, सभी जनता, जो भी एक इंसान के प्रति है जागरूक, उनसे हर जगह को निवेदन है कि यहाँ पे लाइव शो किया जाए। प्रशासन अभी तक 100% फेल हो चुकी है। 5 दिन से यही बोला जा रहा, निकाला जा रहा, आधे घंटे में 5 मिनट में बॉडी दे देंगे, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक कार्रवाई लगे हैं, माटी निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, वही हो रहा है सिस्टम। बॉडी अभी तक हम लोग को किसी को एक इंच भी नहीं दिखाई गई है। आप लोग से हाथ जोड़ के सभी से ये निवेदन है कि यहाँ पे लाइव शो चलाया जाए, प्रशासन से कार्रवाई जल्दी से जल्दी कराए, जो मुआवजा लगता है हम परिवार वाले भी देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा लगता है तो हमें तो मुआवजा मिलने का संभावना ही नहीं है। ये लोग अपना सिर्फ काम कर रहे हैं, सुबह आते हैं, ड्यूटी पकाते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के लाइव शो करके चलाया जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। यहाँ पर प्रशासन को, हमको 23 तारीख को शाम को बोला गया कि NDRF सुबह 7 बजे आ रही है। NDRF आज 26 तारीख को 9 बजे तक नहीं पहुंची है। हमें फालतू का झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या हो जाए इस चीज़ को हमको कुछ पता नहीं है। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर ली है बोल के चारों तरफ के रास्ते बंद कर लिए। आम जनता परिवारजनों को लट्ठों से मार रही हैं, लट्ठे दे रहे हैं, किसी को आने नहीं दे रहे हैं। जो कर रहे हैं प्रशासन अपने हिसाब से कर रहे हैं, परिवारजन इससे पूरा असंतुष्ट है और एक अव्यवहार किया जा रहा है परिवारजन के साथ। तो जितना जल्दी हो सकते है आप लाइव शो चलाओ, जो हो सकता है NDRF जो भी बुलाओ। अगर प्रशासन हमसे कुछ हेल्प लेना चाहता है पैसा, तो हम देने को तैयार हैं। कृपया करके हमको आज की डेट में हमको बॉडी दे दे। आप लोग से हाथ जोड़ के स्वीकार।
दोपहर के 3:15 बज रहे हैं। जो प्लान सुबह किया गया था उसको एक बार फिर से रोक कर दूसरा प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कुई के निर्माण में जो बिल्ली इस्तेमाल होते हैं उनको रखा जा रहा है, और वही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे एक कुई का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि अब कुछ ही देर में ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा और आखिरकार बॉडी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि घर वालों के, उनके रिश्तेदारों के, उनके सब्र का बांध भी टूट चुका है। काफ़ी परेशानी उनको हो रही है, काफ़ी अजीब सी स्थिति परिवार के लिए बनी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही देर में, अगले कुछ घंटों में शायद ये काम ख़त्म हो जाएगा।